हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ हायर मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। सो, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, और उसके रिलेटेड एक थ्योरम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। सो कीप वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो डेफिनेशन मैंने लिख लिया है बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, अब देखते हैं कि क्या होता है। देखिए कि जो बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या कहता है कि लेट टी बी एनी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय टी जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी डिवाइड बाय सी जेड प्लस डी। यहाँ पर जो ए बी सी और डी है वो हमारा क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है, वेयर ए बी सी डी आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट। सो हम क्या करते हैं कि जो ये टी जेड है, टी जेड को हम जो है डब्ल्यू लिख लेते हैं। सो टी जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू। सो डब्ल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, डब्ल्यू के इक्वल में वैल्यू लिख देंगे हम ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। So, यहाँ पर मैंने बता दिया एक बार कि जो है ए बी सी और डी हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है। अब देखिए क्या होता है कि डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट होता है ए डी माइनस बी सी, अगर इसका वैल्यू जीरो होता है तो हम इस चीज को बोलते हैं कि यह बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए हम जो है इन सब चीजों का यूज हम आगे थ्योरम्स में करेंगे, और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। और एक फॉर्म हमारा होता है टी इज नॉर्मलाइज्ड, P को हम नॉर्मलाइज कब कहेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिया है इसको हम नॉर्मलाइज कब कहेंगे, यदि AD माइनस BC इज इक्वल टू क्या हो, 1 हो। कहने का मतलब ये है जो डिटरमिनेंट जो हमने लिखा यहाँ पर AD माइनस BC, इसका वैल्यू जब 1 होता है तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि T जो है नॉर्मलाइज है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं कि जो ये फ्रॉम फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो है क्या मिल जाएगा, W इंटू ये वाला यहाँ पर आ जाएगा सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, हेयर बोथ W एंड Z आर लीनियर। सो जो W है और जो Z है वो हमारा क्या है, लीनियर है। सो हम क्या कहेंगे, इसको बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, जिसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है बी टी। सो गाइस, अभी यहाँ पर एक थ्योरम डिस्कस करेंगे जस्ट इससे रिलेटेड। सो थ्योरम क्या कहता है कि प्रिजर्वेंस ऑफ क्रॉस रेशियो अंडर द बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो हमें जो है, देखिए ये जो थ्योरम है इसमें जो हम फॉर्मूला प्रूव करेंगे और उससे जो रिजल्ट हमारा आएगा उसको हम क्रॉस रेशियो फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। So, इसीलिए जो हमारा थ्योरम है वो यही कह रहा है कि जो प्रिजर्वेंस ऑफ क्रॉस रेशियो अंडर द बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमने बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है उसी फॉर्मूला के हेल्प से जो है हम यहाँ पर जो ये थ्योरम है उसको सॉल्व आउट करेंगे। अब देखिए ये तो हमारा सीधा सीधा थ्योरम है, एग्जाम में आपके इस टाइप से भी लिखे हुए आ सकते हैं कि प्रिजर्वेंस ऑफ क्रॉस रेशियो अंडर द बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको, ये जो थ्योरम है इसमें जो रिजल्ट आएगा, जो फॉर्मूला हमारा आएगा, जो ये फॉर्मूला है वो जो है क्रॉस रेशियो फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। सो स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ अंडर द बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W1, W2, W3, W4 आर द इमेजेस ऑफ Z1, Z2, Z3, Z4 रिस्पेक्टिवली टू शो दैट क्रॉस रेशियो W1 माइनस W2 ब्रैकेट में फिर W3 माइनस W4 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W3 W4 माइनस W1। सिमिलरली सिंस हम जानते हैं कि यहाँ पर हमने क्या बोला है कि जो W1, W2, W3 जो है क्या है, इमेजेस है इसके Z1, Z2, Z3, Z4 के। सो अब यहाँ पर जो है हम इसको प्रूव करेंगे। सो देखते हैं, अब जो बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन था हमारा, वो बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रहा था, सो उसको हम पहले यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद उसी के हेल्प से जो है हम पूरा थ्योरम को सॉल्व आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए, जो बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन था हमारा वो क्या था कि जो W इज इक्वल टू था, W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, और जो AD हमारा जो डिटरमिनेंट जो था हमारा वो क्या था, AD माइनस BC इज इक्वल टू, सॉरी डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए
तो यहाँ पर हमने जो स्टेटमेंट में देखा है क्या देखा है कि सिंस W1, W2, W3, W4 आर द इमेजेस ऑफ Z1, Z2, Z3, Z4, देन हम अब क्या करेंगे कि जो W1 है, देखिए W1 के लिए हम इस बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या लिख सकते हैं, W1 इज इक्वल टू ए, और हमने क्या पढ़ा है कि जो W1 है वो इमेज किसका है, Z1 का है, जो W2 है वो इमेज किसका है, Z2 का है, ठीक है ना। सो हम यहां पर W1 इज इक्वल टू, यहां पर फिर Z है, Z के प्लेस हम क्या लिखेंगे, Z1 प्लस यहां पर B लिख देंगे, अपॉन यहां पर वही C Z1 प्लस B। सिमिलरली W2 के लिए हम सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, W2 इज इक्वल टू A Z2 प्लस B अपॉन C Z2 प्लस B। ऐसे ही W3 के लिए भी हम क्या सॉल्व आउट कर सकते हैं, A Z3 प्लस B अपॉन C Z3 प्लस D। ऐसे ही W4 के लिए भी हम सॉल्व आउट कर देंगे, क्या सॉल्व आउट करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, A Z4 प्लस B अपॉन C Z3 प्लस D। सो अब हम जो है इसका यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, जो क्रॉस रेशियो फॉर्मूला, देखिए हमें पता है ये चीज आपको थोड़ा सा मेमोराइज करने पड़ेंगे ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व आउट करोगे तो उस टाइम आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो हम हमें देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है, क्या क्या निकाल लेंगे, W1 माइनस W2, W3 माइनस W4, W2 माइनस W3, W4 माइनस W1। सो इन सारे वैल्यूज को हम कैलकुलेट करके जो है आगे हम फर्दर सॉल्विंग करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मिटा लिया है क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है। सो यहाँ पर हम पहले क्या काउंट करेंगे, W1 माइनस W2। सो W1 हमारे पास क्या है, A Z1 प्लस B अपॉन C Z1 प्लस D माइनस W2 का जो वैल्यू है वो हम यहाँ से जो है पुट अप करेंगे, A Z2 प्लस B अपॉन C Z2 प्लस D। अब देखिए इसको जो हम सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C Z1 प्लस D, और यहाँ से जो है आ जाएगा C Z2 प्लस D, और जब हम उसको सॉल्व आउट करेंगे तो इसका मल्टीप्लाइजेशन हो जाएगा A Z1 प्लस D, यहाँ से आ जाएगा C Z2 प्लस D माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा A Z2 प्लस B, और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो क्या है इधर C Z1 प्लस B। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व आउट करेंगे। आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, A Z1, A Z1 C Z2 प्लस A Z1 B, फिर B C Z2 प्लस BD, ठीक है स्टूडेंट। जब आप लोग इसको सॉल्व आउट करोगे अच्छे से तो आपको भी यही मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो A माइनस है तो यहाँ पर सारा माइनस हो जाएगा हमारा, A Z2 C Z1, फिर माइनस A Z2 B, ओके, फिर B के लिए सॉल्व आउट करेंगे माइनस B C Z1, उसके बाद प्लस माइनस माइनस B D, और हमारे डिवाइड में क्या है C Z1 प्लस D इंटू C Z2 प्लस B। अब देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स हमारे मे भी कैंसिल हो रहे हैं, देखिए A Z1 C Z2, A Z1 C Z2, कोई बात नहीं मल्टीप्लाई में है, हमारे टर्म्स इधर उधर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई में वैसे कर सकते हैं, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और कोई देखिए ये B D और ये B D माइनस का कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर अब क्या रिमेनिंग पार्ट क्या है, यहाँ पर A Z1 D प्लस B C Z2, ओके, फिर यहाँ पर देखिए क्या है A Z2 D माइनस B C Z1 अपॉन क्या है C Z1 प्लस D, और यहाँ पर क्या है C Z2 प्लस D। अब देखिए यहाँ पर देखिए Z1
माइनस जेड टू, क्योंकि हमें पता है कि जो फॉर्मूला है उसमें हमें क्या चाहिए होता है, जेड वन माइनस जेड टू चाहिए होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ से थोड़ा सॉल्व आउट कर लेते हैं, जो जेड वन वाला टर्म है उसको हम जेड वन वाले के साथ ही सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये सॉरी जेड वन का जेड टू के साथ लेना पड़ेगा क्योंकि जेड टू माइनस जेड वन आता है। तो यहाँ पर देखिए जेड वन और ये जेड वन है और ये Z2 है, AD इसमें है, AD इसमें है, तो हम इन दोनों टर्म को एक साथ सॉल्व आउट कर लेंगे। देखिए AD हमारा कॉमन आ जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, Z1 माइनस यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, Z2 मिल जाएगा। ओके, फिर देखिए अब यहाँ से देखिए Z1 हमारे Z2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे और इसमें देखिए BC है और इसमें भी BC है, तो BC हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे और अंदर क्या बच जाएगा, प्लस का Z1 माइनस Z2। जब आप लोग इसको प्रॉपर वे में सॉल्व आउट करेंगे तो आप जो है आपको भी यही रिजल्ट मिलने वाला है। सो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी जेड वन प्लस डी और सी जेड टू प्लस डी। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, अब देखिए इसको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। कैसे सॉल्व आउट करेंगे, Z1 Z माइनस Z2, Z1 माइनस Z2, ये दोनों हमारे क्या है, कॉमन पार्ट है, तो हम यहाँ पर क्या लिखे, Z1 माइनस Z2 और हमारे इधर क्या बच गए, AD माइनस BC और अपॉन में क्या है, C Z1 प्लस D और C Z2 प्लस D। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये चीज जैसे हमने सॉल्व आउट किया है किसके लिए, W1 माइनस W2 के लिए। ओके, सो इसको आप जो है इक्वेशन नंबर ए लेट कर लीजिए। ठीक है, अब जो है सिमिलरली हम क्या क्या काउंट करेंगे, W2 माइनस W3। ओके, जो फॉर्मूला में हमारा होता है उस टाइप पे जो है हम इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर एक सीक्वेंस मिल जाएगा और जैसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट सॉल्व आउट किया था सिमिलरली हम वैसे ही बाकी जो वैल्यूज है उनको भी हम काउंट करेंगे। देखिए कैसे, एक सीक्वेंस देखिए आप लोग कि यहाँ पर W1 माइनस W2 है तो यहाँ पर Z1 माइनस Z2 है और ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है AD माइनस BC और यहाँ पर देखिए W1 तो यहाँ पर Z1, ठीक है, और यहाँ पर W2 तो यहाँ पर Z2। तो हम देखिए यहाँ पर एक सीक्वेंस बनाएंगे, क्या है देखिए, यहाँ पर W1 माइनस W2 है तो Z1 माइनस Z2 है, तो यहाँ पर W2 माइनस W3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z3। और मैंने बताया था कि ये जो आपका कांस्टेंट है कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, तो ये आपका एज इट इज रहेगा और अपॉन में देखिए Z1 के कहने का मतलब यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा प्लस D और इसमें भी हमारा C Z3 प्लस D। ऐसा क्यों आता है, क्योंकि जो हमारा W1 W2 W3 है वो हमारा क्या है, इमेज है इसका Z1 Z2 और Z3 का, तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, B लेट कर लेंगे। सिमिलरली इसको भी हम सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखिए Z3 माइनस Z4 और कांस्टेंट ऐसा ही रहेगा। आप लोग जब इस थ्योरम को सॉल्व आउट करोगे तो आप लोगों को भी जो है पता लग जाएगा कैसे सॉल्व आउट करना है। ठीक है, सो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पर देखिए अब इसको सॉल्व आउट करेंगे C Z3 प्लस D और यहाँ पर हम सॉल्व आउट करेंगे C Z4 प्लस D। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम सी लेट कर लेंगे इक्वेशन। अब यहाँ पर 4 और 1 तो यहाँ पर क्या जाएगा, Z4 माइनस Z1। ओके, और यहाँ पर जो है AD माइनस BC आ जाएगा आपका और डिवाइड में आपका वही कैसे, देखिए C 4 है तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, Z4 प्लस D। कॉन्स्टेंट आपका हर जगह सिमिलर रहेगा, सिर्फ हमारा जो इमेजेस है, ठीक है, जो Z है Z1 Z2 इनका वैल्यू जो है हमारा चेंज हो जाएगा, तो C यहाँ पर आ जाएगा हमारा Z1 प्लस B। इसको हम जो है इक्वेशन नंबर क्या लेट कर लेंगे, B लेट करेंगे। सो देखिए फ्रॉम इक्वेशन A B एंड C, A B C एंड D से जो है हम क्या करेंगे, W1 माइनस W2 W3 माइनस W4 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W3 इनटू W4 माइनस W1, तो इन सबका जो वैल्यूज हमने निकाल रखे थे A B और C से हम यहां पर जो है पुट करेंगे। तो देखिए अब W3 माइनस W4, W3 माइनस W4 का वैल्यू क्या था, Z3 माइनस Z4 इनटू AD माइनस BC अपॉन C Z3 प्लस D
सी जेड फोर प्लस बी था, ऐसे ही अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा W2 माइनस W3, तो W2 माइनस W3 का वैल्यू हमारा क्या था Z2 माइनस Z3, और यहां पर AD माइनस BC डिवाइड बाय C Z2 प्लस D, और यहां पर आ जाएगा C Z3 प्लस D। ठीक है, यहां पर हम ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि हमारे यहां पर सारे क्या है मल्टीप्लाई में है। सो अब देखिए नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है Z4 माइनस Z1 AD माइनस BC डिवाइड बाय C Z4 प्लस D। ओके, फिर यहां पर जो है क्या आ जाएगा C Z3 प्लस D। अब आप लोग एक चीज देखिए, जितने भी टर्म्स हैं हमारे, देखिए यहां पर Z1D C Z1 प्लस D C Z2 प्लस D, तो यहां पर ऐसा टर्म हमें मिल रहा है कहीं पर, देखिए C Z2 प्लस D, तो C Z2 प्लस D से C Z2 प्लस D कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, उसके बाद सॉरी यहां पर जो है हमारा बन आएगा, सो देखिए C Z1D और C Z1D से हमारा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, और जितने भी टर्म्स हैं हमारे वो सारे ऐसे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए इन सब से ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे यहां पर बचेगा क्या रिमेनिंग पार्ट W1 माइनस W2 W3 माइनस W4 अपॉन W2 माइनस W3 W4 माइनस W1 इज इक्वल टू, हमें क्या मिल जाएगा यहां से देखिए Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z4 डिवाइड बाय Z2 माइनस Z3, और यहां से क्या बच गया Z4 माइनस Z1। तो यही चीज हमें जो है प्रूव करना था। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं क्रॉस रेशियो फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम क्रॉस रेशियो फॉर्मूला जानते हैं, हेंस प्रूव। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर सच में आप लोगों को समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।